स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में फेमस इंडियन स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर बासु चटर्जी जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बासु चटर्जी जी के डायरेक्शन में सबसे पहली मूवी आई थी 1969 में, जिसका नाम था सारा आकाश। इस मूवी लीड कास्ट में थे राकेश पांडे, मथु चक्रवर्ती, नंदिता ठाकुर, दीना पाठक, ए के हंगल और जरा लागा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1971 में, जिसका नाम था पिया का घर। इसको डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अनिल धवन, जया भादुरी, सुलोचना चटर्जी, असरानी, कैष्ठो मुखर्जी और अमिताभ बच्चन ने इसमें स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करा दिया गया। अगली मूवी 1974 में आई थी, जिसका नाम था रजनीगंधा। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी लीड कास्ट में थे अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा और दिनेश ठाकुर। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1974 में ही, जिसका नाम था उस पार। इसको डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे विनोद मेहरा, पद्मा खन्ना, मौसमी चटर्जी और आगा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1976 में, जिसका नाम था चितचोर। इसको डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी जी ने। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अमोल पालेकर, जरीना बहाव, दीना ठाकुर, विजय घाटगे और ए के हंगल। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में कमाई की 1 करोड़ रुपए की और दुनिया में 2 करोड़ रुपए की कमाई की। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1976 में, इसका नाम था छोटी सी बात। इसको डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, अशोक कुमार, असरानी और राजेंद्र नाथ। इस मूवी का बजट था 50 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाई की 1 करोड़ की। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर अगली दुनिया में कमाई की 2 करोड़ की। इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1977 में, इसका नाम था सफ़ेद झूठ। इसको डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे विनोद मेहरा, मिथुन मुखर्जी, अशोक कुमार, देवन वर्मा, विद्या सिन्हा और अमेर पालेकर ने इसमें स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 1977 में, इसका नाम था स्वामी। इसको डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, उत्पल दत्त। इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1977 में, इसका नाम था प्रियतमा। इसको डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे जितेंद्र, नीतू सिंह, आशा सचदेव, राकेश रोशन, आईएस जौहर और देवन वर्मा। इस मूवी को अब एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1978 में, इसका नाम था खट्टा मीठा। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, प्रीति गांगुली, देवन वर्मा और अशोक कुमार। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1978 में ही, जिसका नाम था दिल लगी। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रीति गांगुली, देवन वर्मा, दुलारी और असरानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1978 में, जिसका नाम था तुम्हारे लिए। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे संजीव कुमार, विद्या सिन्हा, जरीना भाव, अशोक कुमार, ओम शिवपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1979 में, जिसका नाम था दो लड़के दोनों कड़के। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे अमोल पालेकर, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, असरानी, नवीन निश्चल, दीना पाठक और रंजीत। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1979 में ही, जिसका नाम था मंजिल। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे अमिताभ बच्चन, मौसमी चटर्जी, राकेश पांडे, ललिता पवार और हे के हंगल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1979 में ही, जिसका नाम था प्रेम विवाह। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, आशा पारेख, बिंदिया गोस्वामी, उत्पल दत्त और देवन वर्मा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी, जिसका नाम था रतनदीप। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे हेमा मालिनी, गिरीश कर्नाड और ए के हंगल। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1979 में आई थी, जिसका नाम था बातों बातों में। इसमें बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अमोल पालेकर, टीना मुनीम, लीला मिश्रा, असरानी लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था चक्रव्यूह। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे राजेश खन्ना, नीतू सिंह, सिंपल कपाड़िया, विनोद मेहरा, प्रदीप कुमार। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1980 में, जिसका नाम था मनपसंद। इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे देवानंद, टीना मुनीम, गिरीश कर्नाड, सिंपल कपाड़िया और महमूद। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर
एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था अपने पराए, इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे अमोल पारकर, शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड और उत्पल दत्त। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1981 में आई थी जिसका नाम था जीना यहाँ, इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे अमोल पालेकर, शबाना आजमी, जरीना वहा और विद्या सिन्हा। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1982 में आई थी जिसका नाम था हमारी बहू अलका, इसमें लीड कास्ट में थे राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी, उत्पल दत्त और असरानी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था शौकीन, इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, अशोक कुमार, उत्पल दत्त, ए के हंगल। इस मूवी को कमाई के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1983 में जिसका नाम था पसंद अपनी अपनी, इसमें लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, उत्पल दत्त, अशोक कुमार और अतुल अग्निहोत्री। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1984 में लाखों की बात, इसको डायरेक्ट किया था बासु चटर्जी जी ने। इस मूवी लीड कास्ट में थे संजीव कुमार, अनीता राज, उत्पल दत्त और फारूक शेख। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर ब्लो एवरेज करार दिया गया। अग्नि में 1986 में आई थी जिसका नाम था किराएदार, इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे राज बब्बर, पद्मी कोल्हापुरे, विद्या सिन्हा और उत्पल दत्त। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1986 में ही आई थी जिसका नाम था चमेली की शादी, इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे अमृता सिंह, अनिल कपूर, अमजद खान, ओम प्रकाश, अनु कपूर और सत्यन कपूर। इस मूवी का बजट था 90 लाख रुपए। इस मूवी ने भारत में 1,55,00,000 की और दुनिया में 2 करोड़ की कमाई। कमाई के अनुसार से इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था शीशा, इस मूवी लीड कास्ट में थे मिथुन चक्रवर्ती, मुनमुन सेन, विजेंद्र घाटके और मलाइका साराभाई। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1989 में आई थी जिसका नाम था कमला की मौत, इस मूवी लीड कास्ट में थे पंकज कपूर, सुप्रिया पाठक, रूपा गांगुली और आशा लता। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1997 में आई थी जिसका नाम था त्रिया चरित्र, इस मूवी में लीड कास्ट में थे नसीरुद्दीन शाह, राजेश्वरी, कनिका शिवपुरी और ओमपुरी। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी 1997 में आई थी जिसका नाम था गुड्डी, इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे जुगल हंसराज, प्रतिभा सिन्हा, अनुपम खेर, सतीश कौशिक, देव मुखर्जी। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली मूवी 2006 में आई थी जिसका नाम था प्रतीक्षा, इसको बासु चटर्जी जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें लीड कास्ट में थे जिमी शेरगिल, दिया मिर्जा, जरीना बहाव और अनुपम खेर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। अगली मूवी आई थी 2007 में जिसका नाम था कुछ खट्टा कुछ मीठा, ये लास्ट मूवी थी। इस मूवी लीड कास्ट में थे अर्चना पूरन सिंह, आदिति शर्मा, सरवर आहूजा, कौशिक, सतीश कौशिक और अनुपम खेर। ये मूवी फ्लॉप रही, ये इनकी लास्ट मूवी थी, इसके बाद इनकी कोई मूवी नहीं आई। तो व्यूअर्स, ये स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर बासु चटर्जी की मूवीज का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनके डायरेक्शन बनने की कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस डायरेक्टर या फिर एक्टर एक्ट्रेस का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसको बारे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।